जिस तरह से हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य को देखा समझा, हम लोगों ने देखा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, इन चार के अकॉर्डिंग उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। वहाँ पर भी हम लोगों ने क्वास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन किया। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो पता चलता है कि छात्रों को गणितीय भाषा एवं संकेतों को समझने में सक्षम कर देना, वह मैथमेटिकल लैंग्वेज की समझ रख सके, उसके सिंबलों की समझ रख सके, इस योग्य बना देना। छात्रों के अंदर इस बात की समझ डेवलप करना है कि गणित में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं यह किसी न किसी मैथमेटिशियन की देन है। इन चीजों के बारे में भी छात्रों को परिचित कराना, परिचय कराना, छात्रों को गणित की सैद्धांतिक और अमूर्त अवधारणाओं को या अवधारणाओं की समझ डेवलप करना। सैद्धांतिक और अमूर्त, ये दो तरह का कंसेप्ट बच्चों के अंदर क्या है, डेवलप करना। और चौथा है, छात्रों को इस बात की समझ डेवलप करना कि गणित के विभिन्न शाखाओं, यहाँ विभिन्न शाखाओं का अर्थ हुआ कि गणित का अपने ही शाखाओं के साथ उनके भी बहुत सारे ब्रांच हैं गणित के, जैसे अंक गणित है, उसकी क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे जो शाखाएं गणित की हैं, यह भी एक दूसरे के साथ क्या है, इसका संबंध है। पता चलेगा कि एक के बिना दूसरे को आप समझ नहीं सकते। और सबसे पुरानी शाखा अगर बात की जाए तो वो अंक गणित है। तो इस तरह का कंसेप्ट बच्चों के अंदर अगर आप डेवलप करते हैं तो यह समझा जाएगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य बच्चों को आपने दिया। अब आइए अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, इसके अंतर्गत बच्चों के अंदर इस तरह का समझ डेवलप करना कि वह अपने समस्याओं का समाधान खुद से कर सके। दूसरा है, बच्चे मैथमेटिकल कंसेप्ट की समझ उनके अंदर डेवलप करना, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट की समझ डेवलप करना। ध्यान रखना यह है कि यह चीज प्राइमरी स्तर पर भी है और सेकेंडरी स्तर पर भी है मैथमेटिकल कंसेप्ट, लेकिन है क्या कि स्तर जो है वहाँ का निम्न है और यहाँ का उच्च स्तर होगा। उसके बाद आइए तीसरा जो इसका पॉइंट है इसके अंदर, वो ये मेजरमेंट के विभिन्न इकाइयों को गणित में किस तरह से अप्लाई करना है।
मेजरमेंट के विभिन्न इकाइयों को गणित में किस तरह से अप्लाई करना है इसकी भी समझ बच्चों के अंदर डेवलप करनी। मेजरमेंट तो आप समझ रहे हैं, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, दूरी नापना है तो क्या चीज़ से नापेंगे, ठीक है। अगर आपको लिक्विड को मेजर करना है तो क्या चीज़ में नापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेट अगर हमको मेजर करना है तो वो किस तरह से नापा जाए, उसका मेजरमेंट होगा किस इकाई में होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की समझ बच्चों के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आइए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखते हैं तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत छात्रों को अपने दैनिक जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की समझ विकसित करना। देखिए, दैनिक जीवन में मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें ऐसे भी परेशानी होती है कि अगर आपको गणित का थोड़ा सा भी सूझबूझ है तो आप उस तरह के परेशानी को दूर कर सकते हैं, जिसकी चर्चा प्रैक्टिकल वैल्यूज के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद आइए गणितीय ज्ञान को अन्य क्षेत्रों में, विशेष करके विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार लागू करना है। विज्ञान के क्षेत्र में गणित की जानकारी को किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे इसकी समझ भी आपको, शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों के अंदर डेवलप करे। उसके बाद बच्चे को इस योग्य बनाना कि वह भावी व्यावसायिक जीवन में गणितीय ज्ञान को किस प्रकार से वह अप्लाई कर रहा है इसकी समझ भी उन्हें आ जाए। उसके बाद आइए स्किल डेवलपमेंट की बात, स्किल ऑब्जेक्टिव। स्किल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत जब आएंगे तो यहाँ हम लोग बच्चों के अंदर जो चीज़ डेवलप करेंगे उसमें पहला है कि एक ही प्रॉब्लम को, एक ही समस्या को, एक ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कैसे करें, इस तरह की समझ बच्चों के अंदर डेवलप करना। समस्या समाधान की तकनीकी कैसे डेवलप करना है, कैसे सिखाना है, इसकी समझ भी बच्चों को होनी चाहिए। परिणामों का अनुमान लगाना, जांचना और सत्यापित करने के लिए कौशल विकसित करना। देखिए, जब भी कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग अनुमान भी लगाते हैं, जांचते भी हैं और वेरिफिकेशन भी करते हैं। ये सभी चीज़ें हम मैथमेटिक्स में करते हैं तो इन सब चीज़ों बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करना है, यह एक शिक्षक को की जिम्मेदारी होती है कि बस इन सब चीज़ों की समझ बच्चों के अंदर डेवलप करें। इसके अलावा जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि प्राइमरी स्तर पर जिस तरह से
आपका एटीट्यूड है, एबिलिटी है, एप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, इन सब के अकॉर्डिंग भी क्या है ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप अगर चाहें तो इन सब के अकॉर्डिंग भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके जीरोक्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ क्वास। क्वास के प्रिंसिपल के आधार पर सभी सब्जेक्टों के उद्देश्य को निर्धारित किया गया है, जिसमें नॉलेज जो होता है वो निम्न स्तरीय ज्ञान होता है। अंडरस्टैंडिंग उसके बाद आता है, स्किल एप्लीकेशन उसके बाद है, और सबसे जो कठिन होता है वह स्किल ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन प्रश्न पत्र का निर्माण होता है तो इसमें उस समय इन चार ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा रहा है, प्रश्न बन रहे हैं, तो 10% का प्रश्न जो है वो स्किल बेस्ड होता है, जिसको बहुत कम स्टूडेंट ही क्या करते हैं, वो उसको बना सकते हैं। नॉलेज का प्रश्न बहुत आसान होता है, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के जस्ट बाद वाला लेवल है, और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को अगर आप कंबाइंड तौर कम्बिनेशन अगर कर दें, दोनों को मिला दें, तो एप्लीकेशन स्तर का या एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बनते हैं। और अब अगला वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि फिर क्या इसमें और करना है, लेकिन अभी तक जितना भी आप लोगों को बता दिया गया है, इसका नोट्स आप लोग धीरे धीरे बनाना शुरू कर दीजिए या बनाते रहिए वीडियो देखने के बाद, अदरवाइज परेशानी होगी। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ जिसमें बताना ये था, हम भूल रहे थे कि ये प्राइमरी स्तर पर या सेकेंडरी स्तर पर जो ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन हम लोगों ने किया है या जो हमने आपसे बताया है, यह जनरल है, यह जनरल ऑब्जेक्टिव है, जनरल है। आप इसको कह सकते हैं कि यह आपका एक तरह से ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी इसके अंतर्गत आ गया, और इसके अंतर्गत आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव भी क्या है, शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत आएगा या केवल आपका जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ही है। और यह जनरल कंसेप्ट में बात की गई, यही अगर पार्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर रहता और तब ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन करने की बात अगर होती, तो उस समय जो ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं वो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता, वो हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होता, वो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता। लेकिन यहाँ पर किसी टॉपिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ जनरल बात ये हो रही है कि क्लास वन से लेकर के आप जो है 8 क्लास तक, 1 to 8 के बीच बच्चों के अंदर किस तरह का उद्देश्य आप डेवलप करना चाहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर 8 साल मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर किस तरह के समझ डेवलप करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका 9th 10th आता है, 11th 12th है,
उन सब स्तरों पर फिर पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर जो है किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ उसकी बात हो रही, यह किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। और संडे जूम ऐप के द्वारा आप लोग जरूर मिलिएगा, जरूर ऑनलाइन रहेंगे, अपनी परेशानी अपना प्रॉब्लम नोट डाउन करके रखिएगा, हम देखेंगे जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर कर दी जाए। ओके, थैंक यू।